हेलो फ्रेंड्स, राजरानी की किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी मुंगलेट, जो कि ये दिल्ली का फेमस है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए है मूँग दाल। मुंगलेट बनती है मूंग दाल से, और मैंने इसे ओवरनाइट भिंगो के रखा था। और भिंगोने के बाद इसे आप छन्नी से छान लीजिएगा, और इसे उसके बाद मिक्सी में इसे पीसेंगे। बहुत ही बारीक पीसना है, और पानी तभी हमें उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके डालते जाना है। एक बार में पानी मत डालिएगा ज़्यादा, हमें पतला ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से पीस लूँगी। बिल्कुल ही बारीक होना चाहिए, ये देख सकते हैं अभी ये दरदरा है। तो थोड़ा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी और इसे हम पीस लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये मूंग दाल पीस चुका है। मैंने हाफ कप ही मूंग दाल लिए हैं। इस तरीके से बिल्कुल ही बारीक होनी चाहिए। इसे मैं दूसरे बर्तन में डाल लूँगी। इसी तरीके से मैं बचे हुए मूंग दाल को भी मैंने पीस के 1 से 2 मिनट तक इसे आपको कंटिन्यू फेंटना है, जिससे कि ये फ्लफी बनेगा। फिर मैं यहाँ पे टेस्ट के लिए इसमें डाल रही हूँ जीरा और नमक, हल्दी और यहाँ पे हींग। 2 से 3 पिंच इसमें हींग डालिएगा, इससे काफ़ी ये टेस्टी भी बनेगा। इस तरह अब इससे ज़्यादा आपको पतला नहीं रखना है और ना इससे ज़्यादा आपको गाढ़ा रखना है। ये काफ़ी फ्लफी बनेगा और काफ़ी क्रिस्पी बनेगा, इसलिए इसे इस तरीके से फेंटना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स लिए हैं। प्याज है, गाजर है, शिमला मिर्च है और बीटरूट है, जो बारीक कटे हुए उसको मैं इसमें डाल दूंगी। पहले इसमें आप स्वीट कॉर्न और पनीर भी डाल सकते हैं। बारीक वाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, और लंबे स्लाइस वाले मैं इसमें बाद में ऐड करूंगी। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। मैं इसे 2 बैचेस में बनाऊँगी, इसलिए मैं थोड़े से इसे कटोरी में निकाल रही हूँ। इस तरीके से पहले कटोरी में निकाल लेंगे, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जिससे कि ये ज़्यादा फ्लफी बनेगा। 2 पिंच मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे चढ़ाऊंगी पैन जिसमें हमें बनाने हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप वो उसमें ज़रूर बनाइएगा। और मैं इसमें डाल रही हूँ बटर। बेसिकली ये बटर से ही बनता है, अगर आप चाहे तो घी या तेल से भी इसे बना सकते हैं। और इसे हम डाल देंगे इसमें बैटर को, और इस तरीके से इसे हिलाकर सेट कर लेंगे, फैल जाना चाहिए। और आंच को मीडियम टू लो रखिएगा। और जो लंबे स्लाइस किए हुए थे बीटरूट और कैप्सिकम, दोनों ऊपर से डाल देंगे। थोड़े हरे धनिया भी ऊपर से डालेंगे, और अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च भी काट के ऊपर से डाल सकते हैं। और चारों साइड से निकालते हुए इसे हल्के से हम पलट लेंगे। ये काफ़ी चटपटा और काफ़ी क्रिस्पी बनता है। इस तरीके से हम पलटने के बाद दोबारा से मैं इसमें बटर डालूंगी। ये खूब सारे बटर में बनाया जाता है, मैं तो ज़्यादा बटर ऐड भी नहीं कर रही। फिर यहाँ पे इस तरीके से इसे कट का निशान दिया जाता है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, सिर्फ आपको 6 घंटे या 7 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए आपको दाल को भिंगो के रखना पड़ेगा, और उसके बाद ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। इस तरीके से इसे कटते देंगे और दोनों साइड से इसे पलट पलट के हम अच्छे से क्रिस्पी करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे पलट पलट के किया है, ये अच्छा लाल हो गया है, इसका कलर काफ़ी अच्छा आया है। अब इसे डिश आउट कर लूँगी, ये बनकर रेडी है। और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे पुदीने के चटनी के साथ। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।